कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइव में आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे कॉपरेट करते हैं, दिल से धन्यवाद आपको। आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो है गर्मियों में पीने वाला ड्रिंक, जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और टेस्टी के साथ में हेल्दी भी है। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं, बहुत ईजी है और जल्दी तो बन ही जाता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। नारियल शेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम लिए हैं, सफेद वाली इलायची हैं, मैं दिखा देती हूँ। इनके हमको बीज निकाल लेने हैं। साथ में लिया है गोली का बुरादा और चीनी है, दूध है यहाँ पर। तो ये दूध थोड़ा चिल्ड है, आपके पास जैसा भी हो आप ले सकते हैं। साथ में मैंने ली है टूटी फूटी ली है। और अब हम इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ 2 ग्लास बनाना है इसको आज नारियल शेक को। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 4 चम्मच, 2 चम्मच बनाने के लिए मिक्सी के जार में। और छिलका हटाने के बाद हम इलायची के जो दाने हैं उनको भी इसके अंदर डाल देंगे, साथ में बादाम। तीनों चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ फिर हमें क्या करना है। सबसे पहले जार के अंदर डालूंगी गोले का बुरादा। और गोले के बुरादा डालने के बाद हम इसके जो बीज है इसको निकाल कर डाल देंगे, इलायची के बीज को, और छिलका हटा देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है हमारे नारियल शेक के अंदर। और फिर इसके अंदर डाल देंगे बादाम, साथ में अपना स्वाद अनुसार चीनी, यहाँ पर जैसा भी आप मीठा लेते हो। तो मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी डालूंगी मैं यहाँ पर, कट जाएगी मेरी। इसके बाद हम इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर अच्छे से ना पिसे तो इसके अंदर थोड़ा दूध भी डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 कप दूध, और दूध डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दूध डालने के बाद मैंने इसको ग्राइंड किया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पिसकर तैयार है ये हमारा पेस्ट। और इसके अंदर मैं डालूंगी कुछ बर्फ के क्यूब, इसके बाद डालेंगे दूध। तो मैं सारा दूध एक साथ नहीं डाला था, धीरे धीरे करके दूध डालूंगी मैं इसके अंदर। और फिर हम इसको एक बार फिर ग्राइंड कर देंगे जिससे कि अच्छे से मैश हो जाइए। तो फाइनल हमारा कोकोनट शेक बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और देखिए कितना ही बहुत ज्यादा टेस्टी है, जितना टेस्टी है ना देखने में। यहाँ पर मेरा नारियल शेक बनकर हो गया है तैयार। तो कर लेते हैं भाई, इस गर्मी में इसके पीने का भी एक अलग ही आनंद है। बहुत ही ज्यादा झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और मैंने यहाँ पर लिया है टूटी फूटी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको भी डाल लेते हैं। और आप भी इस गर्मी इसका एंजॉय लीजिए, पीजिए और अपने मेहमानों को पिलाइए। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम बनकर तैयार है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, फटाफट बनने वाली है। तो इस गर्मी में चाय कॉफी को बाय बाय बोलिए और पीजिए आप नारियल शेक बनाकर। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।